नमस्कार दोस्तों, मैं श्री करण चौहान आपको सीसी में स्वागत करता हूँ। ये देखिए, ये डेंको कंपनी का सीसी यूनिट है, अभी ये चल रहा है। इसका मॉडल नंबर 332 AVH था, मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, V32 AVH, डी का क्या स्कीम है, डाउन फ्लो। तो देखिए, इसके नीचे से कूलिंग जाता है, इसका डाउन फ्लो, इसका कूलिंग है नीचे होके, ऐसा वो उधर ग्रिल दिया है ना वाइट, उधर भी उधर से सप्लाई जाता है पूरा रूम में। तो ये डी का डाउन फ्लो, जो कूलिंग सप्लाई है नीचे से जाता है। 32 का देखिए, 32 का दिया है कूलिंग कैपेसिटी, जो 32 KV का है, उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमने चेक किया, ये 10 टन का यूनिट है, 10 टन का। और ए का एयर कूलिंग सिस्टम, ये एयर कूलिंग सिस्टम है, जो इसका कंडेंसर है ना, हीट एक्सचेंज होता है एयर कूल मीडिया एयर कूलर के द्वारा, ये हीट एक्सचेंज होता है, इसके लिए एयर कूलिंग सिस्टम। इसका घी है तो वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, जो इसका VRF का अपने यूनिट देखा है, सेम उसी वर्जन पे काम करता है। और ये H था, H आप देख रहे हैं, ह्यूमिडिटी फायर फिक्सेड, इसमें ह्यूमिडिटी फायर का भी सिस्टम दिया गया है। तो ये मॉडल नंबर से हमको मालूम चलता है इसमें क्या क्या है यूनिट। आपको मैं सेम D32AVH का मॉडल नंबर दिखा रहा हूँ, जो यूनिट में शो कर रहा है, आप देखिए इससे D32AVH, ये मॉडल नंबर है यूनिट का, डेंको का सीसी यूनिट है। और इसका मैं रीडिंग भी आपको दिखा रहा हूँ, कितना ये सप्लाई टेम्परेचर है इसका, देखिए मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये सप्लाई का है, वो मैं ऑन कर दिया मीटर, टेम्परेचर कर दिया। देखिए ये टेम्परेचर कितना शो कर रहा है सप्लाई का, अभी ये मेरा टेम्परेचर का सेंसर है, अभी ये चेक करके बताएगा कितना सप्लाई दे रहा है। देखिए कितना शो कर रहा है, आप देख रहे हैं कि ये 10.7 सप्लाई टेम्परेचर, 10.5 8.4, 10.4 सप्लाई टेम्परेचर है, काफ़ी अच्छा कूलिंग है ये। और इसका मैं रिटर्न टेम्परेचर आपको लेके दिखा रहा हूँ। देखिए मैं अपना मीटर इधर रख दिया, और सेंसर है इसका रिटर्न इधर ऊपर है, तो सेंसर मैं उधर रख दिया है, आपको दिखा रहा हूँ।